हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए फिर एक ये न्यू डिजाइन तोरण का लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, ये बनाने में एकदम इजी है, आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हो। ये देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हमने किस तरह से बनाया है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो फुल देखिए। फुल देखने के बाद में ये एकदम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसे किस तरह से बनाया है। और ये मैंने पेंसिल के फूलों से बनाई है। देखिए, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको पट्टी बनाना बताएंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम ये ऐसे एक फंदा डालेंगे इस तरह से, और ये 12 की एक चेन बना लेंगे सिंगल क्रोशिया करके ऐसे। ये देखिए, ये हमने 12 की चेन बना ली है। अब इस तरह से हम वापस इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे और वापस होल में से ऐसे निकाल लेंगे ऐसे डबल क्रोशिया करके। ऐसे हर होल में से हम निकाल लेते हैं, हर होल में से एक बार ही निकालना है डबल क्रोशिया करके। देखिए ऐसे, और हम ये पहले इस वाले राउंड को ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम फिर इसी तरह से डबल क्रोशिया करके और ये दूसरे होल को भी ऐसे इस तरह से हम ये चार होलों को डबल क्रोशिया करके और ये तीन की चेन सिंगल क्रोशिया करके और इधर से ये तीन होल छेकेंगे और चौथे होल में इस तरह से जॉइंट कर देंगे। और इसी होल में से हम कम से भी कम 3 या 4 बार डबल क्रोशिया करके निकाल लेंगे। ऐसे एक होल में से ही, देखिए इस तरह से। फिर हम 3 की चेन बनाएंगे और 3 होलों को छेकेंगे ऐसे और अगले होल में, देखिए ऐसे। और बाकी के जो होल हैं आगे, इन्हें हम डबल क्रोशिया करके और धागे को थोड़ा ढीला ढीला ही छोड़ना है जिससे कि इसका डिजाइन एकदम अच्छा आए। देखिए ऐसे, इसी तरह से हम ये पूरी पट्टी पर डिजाइन डालेंगे। फ्रेंड्स, ये बनाने में एकदम इजी है, आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हो। ये देखिए, ये इसी तरह से हम ये डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 की चेन और ये बीच में एक होल में से कम 3 बार, ये देखिए इस तरह से यही डालेंगे हम पूरी पट्टी पर डिजाइन को। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे, और ये हमने ये पूरी पट्टी को बना करके कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए एकदम कितनी एकदम अच्छी आई है ऐसे। देखिए, अब हम इस पर ये पेंसिल लेंगे और इस तरह से डबल ऊन करेंगे और ये पेंसिल के आधे हिस्से पर ऐसे उनको इस तरह से लपेट लेंगे ऐसे, थोड़ा पीछे भी खिसका लेंगे। देखिए ऐसे, और अब हम ये जो पीछे वाला धागा है इसे ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे पूरे धागे को ऐसे निकाल लेंगे पेंसिल से
और यहाँ पर एक टाइट सी गांठ बांध देंगे ऐसे। और ये एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे। अब हम ये पट्टी लेंगे और इसे इस तरह से 3 बार ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस पट्टी पर हम 3 डिजाइन डाल करके बताएंगे, यानी कि 3 डिजाइन डालेंगे। ये देखिए कैसे, सबसे पहले हम ये 2-3 मीटर का एक अलग से धागा लेंगे और ये इस तरह से हम ये पेंसिल वाले फूल जो बनाए हैं हमने, इन्हें ऐसे डाल लेंगे ये क्रोशिया की मदद से। ऐसे पूरे फूलों को हम इसी तरह से डाल लेंगे। ऐसे देखिए ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें ये 2 कलर के फूल डाल लिए हैं। और अब हम ये कॉर्नर पर इस तरह से ऐसे इसी धागे से हम ये लटकन बनाएंगे। देखिए कैसे, ये सबसे पहले हमने एक एक फूल को, सबसे पहले ये फूल को इस तरह से ऐसे निकालेंगे यहाँ पर। और अब एक सिंगल क्रोशिया करेंगे एक बार और ये ऐसे। और यहाँ पर एक बबल्स बनाएंगे ये थोड़े धागे को ढीला ढीला छोड़ के ऐसे। और एक होल में से भी कम 10 या 12 बार निकाल लेंगे। आप अपनी इच्छा से कितना भी मोटा या पतला बबल्स बना सकते हैं। तो हम इस तरह से 10 या 12 बार निकाल लेंगे और धागे को ये बराबर बराबर करते रहना है, जिससे कि बबल्स एकदम अच्छा है। ये देखिए ऐसे, ये फिर 2 की चेन बना ली है सिंगल क्रोशिया करके। और ये दूसरे फूल को ऐसे फिर निकाल लेंगे, फिर 3 की चेन, फिर एक बबल से डब बनाएंगे, फिर ऐसे ही जैसे हमने ये पीछे बनाया हुआ बताया हुआ है ऐसे इस तरह से। और फिर एक ये फूल को ऐसे ही डालेंगे जैसे कि हमने ये 2 पहले डाले हुए हैं ऐसे। फिर एक बबल्स, और इसी तरह से हर एक बबल्स के, जैसे एक बबल्स बनाएंगे फिर एक फूल, ऐसे ही हम पूरे फूलों को डाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे जैसे हमने ये डाल के बताए हुए हैं, इसी तरह से हम ये पूरे फूलों को ऐसे ही डाल करके ये एक लटकन बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, देखिए पूरे फूलों को डाल लिया है और ये एक हमने लंबी लटकन बनाई है। अब हम ये 5 की एक चेन बनाएंगे ऐसे। और ये दूसरे कलर की ऊन लेंगे और इस तरह से हम ये 4 उंगलियों पर ऐसे लपेट करके ऐसे इसे कम से भी कम 10 या 15 बार लपेट लेंगे। और इसे बीचों बीच इस तरह से कट करेंगे ऐसे। और जो हमने ये चेन बनाई है, इसके बीचों बीच इन धागों को ऐसे रखेंगे और फिर इसे ऐसे वापस अगले
फूल में से इसे निकालेंगे और इसे ऐसे बांध लेंगे टाइट सा। देखिए ऐसे, ये देखिए थोड़ा टाइट ही बांधना है जिससे कि ये फूंदना खुले नहीं। और ये एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेना है, देखिए ऐसे। और ये हमने फूंदना लगा दिया है, बाकी इसे एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे, देखिए। और फ्रेंड्स इसी तरह की हम ये दो लटकन और बनाएंगे, जैसे एक ये और दो यहाँ पर, और यहाँ पर हम ये देखिए ऐसे एक लटकन हमने ये बनाई है और एक ये दो दो, और ये एक तीन, ये तीन लटकन बनाई हैं ये कॉर्नर पर ऐसे। देखिए एकदम इसका लुक कितना अच्छा आया है। और ये हमने ये गोल बारी लटकन बनाई है ऐसे, और यहाँ पर एक फुंदना और एक बबल्स बना करके ये बीचों बीच हम यहाँ पर लगा देंगे ऐसे इस डिजाइन के बीच में, और एक यहाँ पर दूसरे वाले डिजाइन के बीच में। ऐसे ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, ये देखिए एक हमारा ये डिजाइन बन करके कंप्लीट हो गया है इस तरह से। और ये बाकी के दो डिजाइन हम, ये एक बन करके कंप्लीट हुआ और ये बाकी के दो डिजाइन हम इधर बना करके बनाएंगे ऐसे ही, जैसे हमने ये बनाया है बिल्कुल सेम इसी तरह से दो डिजाइन इधर बनाएंगे, और ये तोरण को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे ऐसे, देखिए। और ये दो लटकन हमने बीच में लगाई हैं और तीन तीन लटकन हमने ये गोल ऐसे करके, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, ये देखिए एकदम ये देखिए। और फ्रेंड्स ये हमारी तोरण बन करके एकदम तैयार हो गई है और एकदम अच्छी भी है। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और अपने वीडियो के साथ, और ये फ्रेंड्स बनाने में एकदम इजी है, ये देखिए आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।